हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेमन सिरप बताऊंगी। इसके लिए नींबू मैंने ले लिए हैं और उसका मैंने रस निकाल के रख लिया है। ये देखिए, मैंने इस रस के लिए 12 से 15 नींबू लिए थे। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ जिसमें मैं शुगर को डालूंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ये सिरप अगर हमारा रेडी रहेगा तो हमें कभी भी लेमन वाटर पीना होगा। सिरप डाला, पानी डाला और लेमन वाटर रेडी। पैन ले लिया है, इसका गैस का नॉब मैं ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं एक बड़ी कटोरी शुगर लूँगी और उसको मैं डाल देती हूँ। मैं अभी आधी ही डालूँगी और साथ ही में मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ। और इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। हम इसे धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। गर्मियों के सीज़न में लेमन वाटर बहुत ही अच्छी ड्रिंक है और ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए हम अगर सिरप बना के रखेंगे तो हमें जब लेमन वाटर पीने का मन हो, सिरप डलिया, पानी डाला और उसका नींबू पानी रेडी हो गया। हमारे शुगर में एक उबाल आ गया है। अब मैं इसको फ्लेम धीमे कर देती हूँ और इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। हमें इसकी एक तार जैसी बनानी है, उतना हमें इसको करना है। हमारी शुगर पिघल चुकी है और इसको हमें इस तरीके से इसकी एक तार रेडी होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए हमारी शुगर रेडी है। अब मैं इसमें लेमन को डाल देती हूँ। लेमन को डाल देती हूँ। और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। है ना बहुत ही इजी रेसिपी। और आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमारा लेमन सिरप रेडी है। लेमन सिरप रेडी है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे बॉटलों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। हमने सिरप को बॉटलों में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं आपको इसका नींबू का पानी बना के दिखाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। हमारी ठंडी ठंडा नींबू का पानी रेडी है। है ना बहुत ही इजी रेसिपी। सिरप रेडी किया, नींबू का पानी हमारा रेडी हो गया। और जब कभी मेहमान आए घर पे और कुछ भी ना हो घर पे, आपका सिरप रेडी है तो आप अपने मेहमानों के सामने भी ये नींबू का पानी सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेमन सिरप।